दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्की बाबा यानी कि अक्षय कुमार 50 साल के हो गए हैं और इसी मौके पर मैं अक्षय कुमार के बारे में आपको 25 इंटरेस्टिंग जानकारियां देने जा रहा हूं। दोस्तों अक्षय कुमार का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में और उनका ओरिजिनल नाम है राजीव हरि ओम भाटिया। दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने अपना बचपन गुजारा। उसके बाद वो बॉम्बे आए और डॉन बास्को स्कूल और गुरु नानक खालसा कॉलेज में पढ़ाई की। अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। मार्शल आर्ट्स में उनकी गहरी रुचि है। बैंकॉक वो मार्शल आर्ट्स सीखने गए और खाली समय में उन्होंने वहाँ पर शेफ और वेटर की नौकरी भी की है। बॉम्बे आकर अक्षय कुमार मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे। उनका एक स्टूडेंट था जो कि फोटोग्राफर था, उसने अक्षय को कहा कि वो दिखने में हैंडसम लगते हैं और उन्हें मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। और दोस्तों मॉडलिंग में अक्षय को जल्द ही मौका मिल गया। मॉडलिंग के लिए उन्होंने 2 दिन की शूटिंग की और उन्हें इतने पैसे मिल गए जितना वो मार्शल आर्ट सिखाकर पूरे महीने में नहीं कमा पाते थे। बस फिर क्या था, अक्की बाबा ने फैसला कर लिया कि मॉडलिंग और फिल्म की लाइन ज्यादा अच्छी है। अक्षय कुमार मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर भी काटने लगे। एक बार बेंगलोर उन्हें जाना था एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए, लेकिन गलती से उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। अब खाली समय का यूज करते हुए वो एक फिल्म प्रोड्यूसर के ऑफिस चले गए काम मांगने के लिए। और दोस्तों उन्हें शाम को ही प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म दीदार में लीड हीरो का रोल मिल गया। उसके बाद अक्षय को लगता है कि वो अगर फ्लाइट मिस नहीं हुई होती तो वो शायद इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते। दोस्तों 1987 में महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी आज, जिसमें अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा रोल किया था जो मात्र 7 सेकंड का था। अक्की बाबा को जब पता चला कि राजेश खन्ना जय शिव शंकर नामक एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और उन्हें एक नए कलाकार की जरूरत है, तो वो काका के दफ्तर जा पहुंचे, जहां उन्होंने 2-3 घंटे तक राजेश खन्ना का इंतजार किया और काका उनसे बिना मिले ही चले गए। अक्षय कुमार कहते हैं कि उन्होंने उस दिन सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन उन्हीं राजेश खन्ना के दामाद बनेंगे। अक्षय कुमार की एज अ लीड हीरो रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी सौगंध, जो 1991 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार के पैर जब बॉलीवुड में जम गए तो उन्हें धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने ढेर सारी फिल्में साइन करके रख ली। 1994 में तो ये हाल था कि अक्षय कुमार की 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 11 फिल्में रिलीज हुई थी। इनके नाम हैं ऐलान, ये दिल लगी, जय किशन, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इक्के पे इक्का, अमानत, सुहाग, जख्मी दिल, जालिम, हम हैं बेमिसाल। अक्षय तेज गति से काम करना पसंद करते हैं और यही कारण है कि इस समय भी उनकी 1 साल में 3-4 फिल्में रिलीज हो जाती हैं, जबकि बाकी के सुपरस्टार मुश्किल से साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं। दोस्तों अक्षय कुमार बड़े दिल फेंक रहे हैं। पूजा बत्रा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी के साथ उन्होंने जमकर रोमांस किया है। इसके बाद ट्विंकल खन्ना अक्षय की लाइफ में आई और दोनों की शादी हो गई। दोस्तों शादी के बाद भी अक्षय का नाम प्रियंका चोपड़ा से जोड़ा गया। दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ काम भी किया। कहा जाता है कि ट्विंकल ने अक्षय को कहा कि प्रियंका के साथ कभी काम नहीं करेंगे और अक्षय आज तक उनकी ये बात मानते हैं। दोस्तों खिलाड़ियों के खिलाड़ी में जो रोल रेखा ने प्ले किया था उसे पहले डिम्पल कपाड़िया को ऑफर किया गया था। डेट्स की प्रॉब्लम होने के कारण डिम्पल ने वो फिल्म नहीं की और इस फिल्म में रेखा और अक्षय के बीच एक हॉट गाना शूट किया गया था। अब जब अक्षय डिम्पल के दामाद हैं तो सबका मानना है कि अच्छा ही हुआ कि वो फिल्म डिम्पल ने नहीं की। दोस्तों डिम्पल के घर के सामने से जब भी अक्षय गुजरते हैं तो कार से ही फोन करके डिम्पल को खिड़की में आने के लिए कह देते हैं और कार में बैठे बैठे डिम्पल को नमस्कार कर देते हैं। दोस्तों उनकी 8 फिल्मों के नाम में खिलाड़ी शब्द आया है, इसीलिए अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार कहा जाता है। खिलाड़ी शब्द वाली ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं। खिलाड़ी वाली उनकी फिल्मों के नाम हैं खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 और खिलाड़ी 786। दोस्तों खिलाड़ी कुमार जो हमारे देश के सुपरस्टार हैं, उनके पास हमारे देश की नागरिकता नहीं है क्योंकि उनके पास कनाडा की नागरिकता है। 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी अक्षय कुमार की करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस दौर में एक्शन और फॉर्मूला फिल्मों का असर कम होता जा रहा था। सनी देओल, सुनील शेट्टी, गोविंदा, अक्षय कुमार का करियर डाउन हो रहा था। हेरा फेरी फिल्म से अक्षय ने साबित किया कि वो कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हैं और इसके बाद उन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया। दोस्तों अक्षय बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं। उनके जागने और सोने का समय फिक्स है। रात को 9:30 बजे वो बिस्तर पर चले जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं। अगर रात को सोने में देर हो भी जाए तब भी वो सुबह 4 बजे ही उठते हैं, इसीलिए फिल्मी पार्टियों से दूर रहते हैं। अपनी डाइट को लेकर भी वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। दोस्तों बॉलीवुड में आमतौर पर दोपहर से काम शुरू होकर देर रात तक चलता है, लेकिन अगर फिल्म में अक्षय कुमार हैं तो फिल्म की पूरी यूनिट को सुबह काम पर पहुंचना पड़ता है। दोस्तों अक्षय कुमार साल में 2 बार देश के बाहर घूमने जाते हैं।
एक बार अपनी बीबी ट्विंकल, बेटे आरब और बेटी नितारा के साथ और दूसरी बार अपने बेटे आरब के साथ। ज्यादातर वो ऐसा देश चुनते हैं जहाँ उन्हें कोई पहचानता ना हो। दोस्तों, अक्षय कुमार की बेटी का नाम नितारा है, जो अपने पापा को अक्की बेटा कहकर बुलाती है। आरब के बारे में अक्षय कुमार के ससुर यानी कि राजेश खन्ना ने भविष्यवाणी की थी कि वो सुपरस्टार बनेगा। दोस्तों, अक्षय कुमार अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हैं। उनका मानना है कि इससे उनका बचपन सामान्य रहेगा। आउटडोर गेम्स और स्टंट करना उन्हें बहुत पसंद है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय ने अंडरटेकर नाम के पहलवान को उठा लिया था, जिससे उन्हें कमर के दर्द में लंबे समय तक शिकायत रही थी। अपने इसी स्वभाव के कारण अक्षय कुमार ने खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर नाम के टीवी शो से जुड़ना पसंद किया और इसको होस्ट किया। दोस्तों, अक्षय कुमार महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें पुरुषों से ज्यादा ताकतवर मानते हैं। शायद इसीलिए वो अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटे और सास के बेहद नजदीक हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।